दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टैली में हम यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं टीचर्स का। तो देखो, ये टीचर आता कहाँ से है। सबसे पहले हमने F11 दबाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस करेंगे तो ये हमें कंपनी का प्राइस लेवल देगा। ठीक है, कंपनी प्राइस लेवल देगा। यहाँ पे हम प्राइस लेवल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उनको हम सामान कुछ और रेट से दें, और जो नए कस्टमर हैं नए रेट से दें। इसमें देखो बायोस में नए रेट से दें। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ओल्ड कस्टमर या न्यू कस्टमर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे होल सेलर बहुत ज़्यादा माल खरीद रहे हैं, या जो कम खरीद रहे हैं मान लीजिए रिटेलर, उसका भी रेट ले सकते हो। फिलहाल हमने ओल्ड कस्टमर या न्यू कस्टमर ले लिया है, इसके बारे में बताते हैं। तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब प्राइस लिस्ट का ऑप्शन इससे क्या करेंगे हम, इसमें हमने जो इन्वेंट्री बनाई है जैसे मोबाइल, नोकिया, सैमसंग बनाई, तो ऑल आइटम में आ जाएंगे हम। यानी सभी का देना चाह रहे हो या सिर्फ नोकिया का देना चाह रहे हो, तो नोकिया का देना चाह रहे हो तो नोकिया का दे देंगे हम। न्यू कस्टमर का या ओल्ड कस्टमर का, हम इसमें ओल्ड कस्टमर में आ गए। ये रेट हर रोज़ आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये 1 अप्रैल 2017 का। तो इसमें लिखा है क्वान्टिटीज रेट फ्रॉम लेस दैन। देखो ये है इसकी कॉस्ट, यानी जो हमारी खरीदी हुई है वो कीमत ये है 2,959 रुपये 53 पैसे। अब हम चाह रहे हैं कि लेस देन 5, 5 से अगर कोई बंदा कम लेता है तो 3800 रुपये का उसको दिया जाए और 1% डिस्काउंट। 5 से लेकर 10 तक लेता है तो उसको 3700 रुपये का मिले 1% डिस्काउंट, और 10 से ऊपर वो जितनी भी लेगा ओल्ड कस्टमर उसको जो है 3500 रुपये और साथ साथ 1%। तो ये लेस देन मोर देन इस तरह से दे सकते हैं। नोकिया C500 मोबाइल है, ये इतने रुपए का पड़ा है। हम चाह रहे हैं कि ये, अब हम ये नहीं दे रहे हैं कि वो 1 ले या 100 ले या 50 ले, हम चाह रहे हैं वो 1 ले या चाहे जितनी भी ले, रेट एक ही पड़ेगा। तो यहाँ छोड़ देंगे हम, यहाँ पे लेस देन और फ्रॉम में ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ दे देंगे हम कि ये भाई आपको 4000 रुपये की पड़ेगा 1% डिस्काउंट। इसको भी हम ये दे रहे हैं कि ये आपको 4700 रुपये की पड़ेगी 1% डिस्काउंट, और ये वाला आपको, क्योंकि यहाँ से हम रेट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम 3200 रुपये का 1% डिस्काउंट। तो हमने इसमें कितना जोड़ा है, 3500, 4000 और इसमें हो गया ये आपका 3350 रुपये 1%। तो ये हमने किसका दिया है, ये ओल्ड कस्टमर का रेट दिया है, ठीक है ना, 3500 रुपये। ये जितने भी रेट दिए हैं ओल्ड कस्टमर के। अब आ जाते हैं हम नोकिया में ही आ जाते हैं। तो आप देखेंगे पहले हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने के बाद फिर भी ये दिखा रहा है। तो हम यहाँ से बैक स्पेस दबाएंगे तो यहाँ से न्यू कस्टमर ले लेंगे, फिर आज का रेट जो भी होगा वो आज का रेट देंगे। हम चाह रहे हैं नया कस्टमर कितना भी ले तो इसको हम, नया कस्टमर कितना भी ले इसको हम 3900 रुपये के हिसाब से देंगे 1% डिस्काउंट, और ये वाला देंगे हम उसको 4200 के हिसाब से 1% डिस्काउंट, और ये देंगे हम उसको 4800 रुपये के हिसाब से, और ये हो गया आपका इसका 3500 के हिसाब से। तो न्यू कस्टमर का हमने अलग ले 3850 वाला है, ये 3850 रुपये रेट है, इसका कीमत है, इसका ये रेट है, ये डिस्काउंट चल रहे हैं। डिस्काउंट ज़्यादा देना चाहते हैं फ्रॉम और लेस देन में, मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये का, वहाँ से आगे इतने का, उससे आगे इतने का, हमने ये नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, एक्सेप्ट कर। तो ये तो हमने फिलहाल नोकिया के बनाए, इसी तरह से आप सैमसंग के बना सकते हो, जो आप सैमसंग के ओल्ड कस्टमर उनके रेट वगैरह डाल दो। फिलहाल मैं नहीं डालता इसमें भी, आप इसमें जितना चाहो उतना स्टॉक बना सकते हो। जो हमारा डेली का रेट है, जो रेट है, जैसे सुबह हमने रेट डाल दिया, वो फिर हमें क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट के रेट तो नहीं बदल सकते, तो उसमें क्या है, हम उसका रेट डाल सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, या तो हम जैसे लेज़र बनाते हैं, जैसे
वैसे लेजर, ये जरूरी नहीं कि लेजर बना के ही इसमें एंट्री होगी, बिना लेजर बनाए भी एंट्री हो सकती है। जैसे मैं जानता हूँ एमएस कविता एंड सन, ये क्या है, मान लीजिए कस्टमर है, तो मैं इसको सीयूएस शॉर्ट में देता हूँ कस्टमर, ठीक है ना, या आगे डी आर वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सन्ड्री डेब्टर, ठीक है। अब ये क्या है, नया कस्टमर है पुराना कस्टमर है, ये हमसे यहाँ पूछता है, हमने दे दिया ये पुराना कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये यस रहेगा, यानी इसका जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट लगाना है हमने, न्यू डिफरेंस एडजस्ट एडवांस ऑन अकाउंट या एडवांस, और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यानी कितने समय का उधार, हमने चाह रहे हैं कि 15 दिन का इसका उधार चल रहा है, 15 दिन में ये पेमेंट करना है, एड्रेस हो गया उसका स्टेट पिन कोड, ठीक है ना, पैन नंबर, ये पैन नंबर वगैरह जो भी देना, पूरी डिटेल दे सकते हो। अभी हमने बना लिया एक एम एस अमन ट्रेडर्स, ये भी हमारा कस्टमर है, इसको हमने दे दिया ओल्ड कस्टमर, पुराना कस्टमर, हाँ ओल्ड पहले दिया था, ये न्यू कस्टमर है, ठीक है ना। बाकी इसकी पूरी डिटेल आप भर लो, इसको नाम डालें, ये अगर हमने यहाँ पर दे दिया ना, तो हम जब बेचेंगे उस समय नहीं दे सकते थे, उस समय वो वही फिक्स होकर आएगा, और एक होता सिचुएशन के हिसाब से हमने देना है कि भाई अब ये 1 हफ्ते बाद देने के लिए कह रहा तो 1 हफ्ते का टाइम दे देंगे, और 10 दिन के लिए कह रहा 10 दिन, 2 दिन का, एक ये होता है कि इसमें हमारा फिक्स हो गया कि 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद पेमेंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम बाहर आ गए यहाँ से, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे हम जब, तो ये हम इसमें सेल में आ गए, फिर से सेल में आ गए। अब हम क्या करेंगे, आप इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि F12 लगाएंगे सबसे पहले, F12 कॉन्फिगर, यहाँ पे आके यूज डिफॉल्ट और बिल एलोकेशन नो करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम इसको यस करते हैं तो ये जो है हमारा, यही हमारा बिल नंबर बन जाता है, हम चाह रहे हैं हम बिल नंबर अपने हिसाब से डालें, तो इसको नो करते हैं, यहाँ पे कोई बिल नंबर नहीं डालेंगे। पार्टी का नेम जैसे एम एस अमन ट्रेडर, डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब चालान से आते हैं, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, जैसे बिल्टी नंबर होता है ना, माल की बिल्टी होती है जो हम ट्रांसपोर्ट से डिस्पैच कराते हैं, तो बिल्टी नंबर कौन सी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है माल, और डेस्टिनेशन कहाँ पे माल पहुँच रहा है, ऑर्डर नंबर क्या है, मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट किस तरह से हो रहा है, किसके रिफरेंस से है, या टर्म्स ऑफ डिलीवरी जैसे ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, सेल्फ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब डिटेल यहाँ पर भरते हैं। भारत परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर की जो एंट्री होती है चालान की, उसमें सब ये फिल होकर आता है, बायर्स का नाम, उसका एड्रेस, सेल प्राइस नंबर, ठीक है ना, ये सब ले सेल्स लेजर, यहाँ पर सेल्स का लेजर है। अब हम क्या करेंगे, हमने नोकिया के प्रोडक्ट ले लिए मेन लोकेशन, आप किसी भी गोडाउन से लेना चाहो ले सकते हो, मेन लोकेशन से हमने 10 पीस इसको दिए, तो रेट और परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा, आप उसमें चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको ये नहीं कि आप इसको घटा लो बढ़ा लो, वो फिक्स हो गए प्राइस लेवल, जो हमने प्राइस दिया था, प्राइस देने की जरूरत थी। तो ये हम यहाँ पे दिखाएगा अभी कि ये न्यू कस्टमर है, लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा, ये प्रिंट में नहीं आएगा, डिस्काउंट और देना चाहते हो आप तो डिस्काउंट अलाओ, -190 उसका टोटल 190 कर लेंगे, तो टोटल जो है राउंड फिगर में हो जाएगा इसका 80,000। अब जैसे ही हमने ये फीचर जो हमने नो किया था 12 दबा के, उससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे ये मेनू आ जाएगा, इसमें जब भी हम कोई बिल लेते हैं या देते हैं न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस में ले लेंगे, न्यू रेफरेंस में ले लेंगे बिल नंबर, जैसे बिल नंबर ऐसे डाल सकते हैं, इसमें 4 जगह ना, हम चाह रहे हैं कि बुक 1 है हमारी SR 113, सीरियल उसका 113, ठीक है, वैसे भी आता है जैसे बुकें होती हैं ना, मान लीजिए कंपनी ने हमारी 50 बुकें थी, एक बुक 200 उसकी है, तो पहली बुक चल रही है, दूसरी चल रही है, तीसरी चल रही है, उस तरह से वही हम इसमें चढ़ाते हैं ना बिल, उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें चलाएंगे तो ऐसे ही चला देंगे,
इसको 2 दिन का उधार देते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यही सेल करें मिस्टर अमन को जितना हम कविता है ना, सेल्स। अब ये प्रोडक्ट हम देखो, ये वाला प्रोडक्ट ये 10 पीस हमसे ले रहा है, तो इसका रेट है ना, का जो लेजर है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनेगा, ठीक। जो हम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि डिस्काउंट देने का मतलब ये भी नुकसान में हो गया है। तो मान लीजिए हमारा 152,460 का माल था, अब हमने 460 रुपये कम कर दिए, तो 460 रुपये तो घट ही गए, तो ये उसमें आ जाएगा एक्सपेंस में, लॉस में। जो अर्न होगा वो, हाँ अर्न होगा, डिस्काउंट जो हम परचेज करते हुए लगाएंगे वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? B1 SR इसको हम नगद भी बेच सकते हैं, मान लीजिए नगद बेच रहे हैं, नगद बेच रहे हैं इसमें, और ये नया कस्टमर है, ये हमसे 1 पीस ले रहा है, पेज अप बटन दबाओगे आप तो वही है, लास्ट एंट्री रिपीट हो जाएगी, प्रिंट में आ जाओगे यहाँ से, प्रिंट करके और यस करोगे ये प्रिंट दिखा देगा। विद प्रीव्यू से मतलब है कि निकलने से पहले वो आपको दिखा दे, ठीक है ना, निकलने से पहले गलती क्या, इसमें जो हम सेल करेंगे वो दिखाएगा, गलती होगी तो के बुक में जाके एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस लेवल सेंटर पर ही है, ये प्राइस लेवल, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबाएं।